हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। 2 मैंने पिछले वीडियो में कर दिया था, आज 3 करेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द एलसीएम, कहां पर 25। देखिए दोस्तों, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स By applying the prime factorization method। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि LCM और HCF निकालिए किस मेथड से, तो prime factorization method से। ठीक है दोस्तों, हमने अब तक 2 इंटीजर्स वाले प्राइम फैक्टर्स किए, यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 वाले भी करेंगे, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर की मदद से LCM और HCF निकालना है। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, हम क्या दिया हुआ है, 12, 15 एंड 21। क्या करेंगे, बारी बारी तीनों का प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिए पहले 12 का करते हैं हम लोग। 12 का क्या होगा, 2 से जाएगा 6 टाइम में, फिर 2 से जाएगा 3 टाइम्स में, अब नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 15 होगा 3 के 5 टाइम में, फिर 21 3 का टेबल में 7 टाइम कर दिया हमने। लिखेंगे देयर फॉर 12 इज इक्वल टू कितना कितना आया, 2 into 2 into 3। 15 इज इक्वल टू 3 into 5 और 21 इज इक्वल टू 3 into 7। तीनों का फैक्टर्स हमने बारी बारी लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखेंगे मैच क्या क्या कर रहा है। तो गौर से देखिए, एक 3 मैच कर रहा है, एक 3 क्या हो रहा है, मैच आ रहा है, और कुछ मैच आ रहा है नहीं। तो देखिए LCM के केस में, LCM of 12, 15 and 21 is equal to, LCM के केस में हमने क्या बोला था कि जो मैच करता है उसको तो लिखते ही है, जो मैच नहीं भी करता है उसको भी लिखते हैं। तो मैच यहाँ पर क्या कर रहा है, तीनों में, तीनों मैच करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये मैच क्या कर रहा है, 3, नीचे लिखता हूँ 3, और क्या क्या मैच नहीं कर रहा है, तो 2, 2, 2 बार 2 है, देखिए 2 into 2, फिर 5 and 7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 to 6, 6 to 12, 12 5 is 60 और 7 टाइम हो जाएगा 42, मतलब 420। इसका निकल गया LCM। उसी प्रकार HCF कैसे निकालेंगे, तो HCF ऑफ 12, 15 and 21 इज इक्वल टू, जो सिर्फ मैच करता है, तो क्या मैच किया, 3 मैच किया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो हमने LCM और HCF निकाल लिया किस मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, देखिए दोस्तों एक चीज मैं इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं। सपोज यहाँ पर गौर कीजिएगा, सपोज जैसे यहाँ पर आपका 3 मैच खा रहा है, सपोज कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि तीनों में कोई 2 ही ऐसा होता है जिसमें मैच करता है, तीसरा नंबर में मैच ही नहीं करता है। जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, देखिए ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं, अलग से बता रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए 3, 3 और 2 ऐसा रहा, तो ये 2 में मैच खा रहा है, तीसरा में तो 3 आ ही रहा है, तो क्या ये भी होगा। तो याद रखिएगा LCM के केस में ऐसे में भी हम वहां पर लिख सकते हैं, इसको भी हम मैच मान सकते हैं, ये भी मैच हो रहा है सिर्फ LCM के केस में। ठीक है, अगर 2 में, एटलीस्ट 2 में कम से कम मैच हो जाना चाहिए, तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं LCM के केस में, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ना बनने तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक है, रिज्यूम करके लिख लीजिए वीडियो को। 3rd फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के। तब तक धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।